हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 HP का अन्नदाता समरसिबल पंप, जो 3 HP 3 फेस में है। एक हमारे किसान भाई लेके आए थे। इनका पंप एक्चुअली क्या हुआ है दोस्तों कि जल चुका है ओवर लाइट के कारण। जो भी हुआ वो उनको उनका मैटर है, अपन उस पर नहीं जाते हैं। तो इसको हम खोलेंगे अभी और पूरा खोलने का प्रोसेस दिखाएंगे आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग भाई है साथ में, हमारे साथ ही वो खोल रहे हैं। ये देखिए अन्नदाता की सील लगी हुई यहाँ पे। ये आगे का भाग खुल चुका है और पीछे के भाग में मेहनत कर रहे हैं हम लोग खोलने के लिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल दोस्तों किस बात की देरी है यार, सब्सक्राइब कर लो। और ये देखिए, ये खस प्लेट निकल चुकी है और कार्बन प्लेट दिख रही है आपको। बड़ी मेहनत लग रही है दोस्तों इस पंप को खोलने में। थोड़ा क्या है कि ये पंप जो है थोड़ा भारी भी है। कार्बन प्लेट इसकी घिस चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी खस प्लेट की स्थिति है कुछ ठीक है। इसको खोलने के बाद हम इसको काटेंगे और इसकी करेंगे रिवाइंडिंग, तो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो आप वीडियो पर बिल्कुल बने रहें, तो वीडियो एक भी स्किप मत करें। ये खुल जाए नहीं है कहीं का रिकॉर्डिंग, जैसे कि कोई सब निकाल दे बाद में ना, निकाल लिया है फिर बना में खत भाई पड़ी ना। इसकी बुशिंग जो है दोस्तों बहुत अच्छी कंडीशन में है, बुशिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या मेटल की इसकी बुशिंग थी, ये देखिए दोस्तों, ये इसका फर्स्ट लुक है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये अंदर से जो है पूरी वायर इसकी चपक गई है जलने के कारण। ये देखिए दोस्तों, इसकी एक दो कॉइल जो है वो चपक रही है। ये देखिए जो हल्का हल्का काला काला सा दिख रहा था, दूर से दिखाना थोड़ी है, हल्का हल्का काला काला सा जो दिख रहा है वो चपक चुकी है यहाँ पे। तो इसको काटने का प्रोसेस शुरू होता है और हमने इसको काट के अलग कर दिया दोस्तों। अब इस पर हम डाल रहे हैं पेपर, V6 के पेपर लगते हैं इसमें, इसके साइज के बना के और इसी के स्लाइड के हिसाब से साइज निकालते हैं। नहीं साइज निकाल के पॉइंट डालने के बाद आठ बार डालेंगे ऑयल लगा के, कि जो वायर हम डालेंगे इसमें वो थोड़ा सटले। तो बारी है इस पर फर्स्ट पॉइंट डालने की। ये है फरमान इसका 3 HP का सबसे छोटी पॉइंट दोस्तों, जो 1 से 8 के बीच में डलती है। इस तरीके से अपन को डालना है इसमें, मेरी कोई लोकेट साथ पकड़ के कोई भी तार छूटे नहीं। ये देखिए दोस्तों, अब पीछे से पेपर सटल रहा है तो इसको थोड़ा पकड़ लेते हैं और इस तरीके से डंडा डाल लेते हैं दोस्तों। इसी तरीके से अपन को सभी सभी को डाल लेना है। और लकड़ी की सहायता से इसकी स्टिक होती है हमारी, कर दे भाई जो वायर को अंदर करते हैं, ये इस तरीके से अंदर कर दे और पेपर निकालना। पेपर निकालने के बाद इसके V6 की लकड़ी लगेगी ऊपर से। ये लकड़ी V6 की है ना, रहे पतली वाली है। ये देखिए जैसे मोटी आती V6 से कहूँ। इस तरीके से थोड़ा सफाई आती है, सफाई दिखती भी है। वायर को थोड़ा सा हल्का खींचेंगे, ये बात। इसी तरीके से दोस्तों अपन को सभी कॉइलें डाल लेनी है। हम परफेक्ट, ये हमारी केबल है समरसिबल वायर पगारिया कंपनी की, हम इसे यूज कर रहे हैं। 19 नंबर की तार है और इसमें जो टन डली है दोस्तों, ये कितने राउंड है हम आपको बता देते हैं, वीडियो की लास्ट में बताएंगे। ऐसे हम बता देते हैं, चलिए अभी बता देते हैं कि इसमें 42 टन हमने डाला हुआ है। 42 टन की कॉइल बनी है, पूरी कॉइलें जो बनेंगी 42 टन की बनी है। कुछ इस तरीके से हम दूसरी स्लाइड भी इसकी डालेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एकदम उसके ऊपर से अभी 1 से 8 फिर 1 से 10 इस तरीके से चलता जाएगा। फिर इसके बाद हम दिखाएंगे इसकी पूरी तारें डालने के बाद कनेक्शन का सिस्टम। इसको वीडियो पर बने रहें आप और वीडियो का लुत्फ उठाएं। ये इस लकड़ी की बात करें तो दोस्तों, ये स्टिक जो होती है हमारी, इसी से हम तार को अंदर
बराबर एक तरीके से डालते हैं। इस लकड़ी से इस्तेमाल करने से दोस्तों ये फ़ायदा है कि स्क्रैच वगैरह तार में नहीं आता है। ये देखिए, ये हमने आधी क्वारी डाल दी है, बस एक क्वारी और बची है जो उसकी डालनी बाकी है। उसको भी अभी हम आपको जैसे बनाते हैं कॉइल, उस सिस्टम दिखाएंगे अपन को कि हम लोग किस तरीके से इसकी कॉइल थर्मा से निकालते हैं। पहले इसको सेट करवा देते हैं, सेट हो रही है ऐसे। इस तरीके से लकड़ी लगा के हल्का हल्के ठोकेंगे तो सेट हो जाएगी बराबर तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका 3 इंची का थर्मा। इस तरीके से हम 42 बार घूमेंगे घुमाते हुए, इसको जाएंगे 42 टन। ढीला हो गया, टाइट करा थोड़ी। उसकी बंधाई पीछे से पहले हम बांधेंगे, फिर करेंगे इसके कनेक्शन। तो इस तरीके से दोस्तों अपन बांध देते हैं तो क्या होता है कि तार जो है रोटर पे फंसती नहीं है और कटती नहीं। इस तरीके से अपन को बांध लेना अच्छी तरीके से, थोड़ा टाइट कर रखे तराजू के ऊपर। और ये है दोस्तों इसके कनेक्शन के लिए। तो अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है। ये कनेक्शन ये जब इस हिसाब से देखना है दोस्तों, जैसे कौन सा कनेक्शन कैसे करो जाते हैं, कौन सा कॉइल कैसे कनेक्शन, एक एक कॉइल के पकड़ने हैं, पूंछ लेकर एक साथ करना है। फिर बचेंगे इसके 3 वायर, तो उन 3 वायरों में लाल पीली हरी नीली जोड़नी है। ये देखिए हमने अलग अलग कर लिया है, हिसाब से घड़ी घूमती है उस हिसाब से, फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड 3 कॉइल बनी थी, इसमें 3 हमने डाल दिए। इस 3 को छील के एक साथ जोड़ के टेप, कच्ची रबर टेपिंग करके कि एक भी लीकेज ना हो करंट का। बराबर काट के इन 3 को इस तरीके से, और 3 को छील के और हम मार देंगे कच्ची रबर टेप। दोस्तों क्या है कि हमारी दुकान जो है थोड़ा मार्केट में, इसलिए हल्ला ज़्यादा होता है, तो फिर आवाज़ ज़्यादा आती है। इस तरीके से देखिए दोस्तों, कनेक्शन कभी भी जब तार दो तार जोड़े तो इस तरीके से जोड़े, कभी भी अपन जब खींचे ये तार तो अलग ना हो। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों कि इस तरीके से अपन को पानी चाहती है कि अपन जब ज्वाइंट मारते हैं तारों का तो इस तरीके से मार दी है ना, कि तार जो है छटके ना। और इस पर बेहतरीन तरीके से कच्ची रबर टेप, दो बार में पहले टेप, फिर ऊपर से कच्ची रबर, फिर ऊपर से टेप, और इस तरीके से फिर इसको ये देखिए दोस्तों, जब एक एक तार बचती है तो उसमें से एक अंदर की रहेगी, दो बाहर की रहेगी, एक लाल एक नीली एक पीली। उसका भी हम आपको एक बार दूसरी वीडियो में अच्छे से कनेक्शन करना सिखा देंगे। इस तरीके से पूरे में टेप मार लें 3 में, फिर उसके ऊपर कच्ची रबड़, फिर ऊपर से टेप। ये हमने फिट कर लिया दोस्तों, मोटर को सेट कर दिया। अब इसको हम चालू करके आपको दिखाएंगे। जब ये ऊपर का सेट हो रहा है, ऊपर का भाग सेट करने के बाद हम इसको करेंगे चेक। ये देखिए दोस्तों, अब कर रहे हैं इसको टेस्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मोटर जो है बहुत ही प्यारे तरीके से घूम रही है 0 RPM लेके। ये उठते समय 10 RPM लेती है और घट जाता है 0 RPM। इसकी भी एक बार वीडियो में ये देखिए दोस्तों, ये फुल पंखे लगाने के बाद चल गई ना वीडियो, कंप्लीट हो गया। पंप टेस्ट करके दिखा देंगे दोस्तों। हम मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल।